अच्छा ये तो बताओ तुम थे कहाँ? सुमन के साथ। बड़ा अच्छा लगा। सुमन का साथ? नहीं, उसने जो कुछ भी कहा वो। सलीम, सुमन बहुत अच्छी लड़की है। सच कहूं साबा, अगर वो नहीं होती तो मैं तो क्या बर्बाद हो गए होते। बर्बाद क्यों होता? ये शायद बर्बाद ही हो गया होता। तो आखिर उसने तुम्हें बचा ही लिया। हाँ, अब सब ठीक है। पता है शिवम भी बहुत खुश है इससे। शिवम सच में खुश है? नहीं, क्यों नहीं होगा, वो तो हमेशा यही चाहता था। सच? उसी की वजह से तो सुमन को पता चला। दिन सुमन ने साफ साफ कह दिया है कि अब कुछ भी हो लेकिन मुझे अपने मुंह से एक बार कह देना चाहिए। किस बारे में? शादी के बारे में। और किस बारे में? तो तुमने कह दिया? अभी कहा, मैंने तय किया कि शादी के बारे में अबू बात करेंगे, और इतने सालों बाद उनका हक भी तो बनता है। तो फिर उनसे कहना जरा जल्दी करें। बस आज के दिन और मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ मेरी है। मुझे पता था शिवम मेरे सिवा और किसी का नहीं हो सकता। चलो चलो जल्दी जल्दी पांव उठाओ, देर हो गई है। आ गए। अरे आ गए, वो तो मैं भी देख रहा है। इतनी देर किधर रही तू है? क्या रे, लोग इकट्ठा करने में कितना बखत लगता है मालूम? क्या बखत लगता है, अभी जाने दे, ये सामान लेके चलना है, खड़े रहो। साहब आ गए। मौलवी साहब को मैंने कह दिया, वो रोज आकर तुम्हें देख जाया करेंगे। साहब वो सामान उठाने वाले आ गए। साहब मैं चलता हूँ। माया आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस महीना 20 दिन की तो बात है, फिर हम भी तो हैं सब संभालने के लिए। चलो सामान उठाओ।